भूखंडा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियत है। वो संगीतकार भी है, गायक भी है और शायर भी है। ये सारे गीत जितना मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी हो चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद में पेश कर रहे हैं। भूपिंदा के गीत निजी कम है और आवाम के ज्यादा है, लोगों के ज्यादा है। उनके दोनों में वहाँ के लोग गीतों की खुशबू जैसी हुई, इसलिए इनका अनुवाद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि जबान और अल्फाज का मुहावरा ज्यादा से ज्यादा उनके ओरिजिनल एक्सप्रेशन के पास पास रहे, क्योंकि ये ना हुआ तो ये गीत आसाम के बजाय किसी और इलाके के महसूस होंगे, जैसे पहाड़ी चढ़ते हुए पालकी उठाने वालों की हैयाना हैयाना में वहाँ के मजदूर की खूनी की सांस भी सुनाई देती है और इस शाम के सीने में एक्टिविटीज भी। Yeah, yeah.